बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मिस्टर जसवंत सिंह जो टीचर को एक प्राउड मोमेंट फील करवाता है। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आज है हमारे स्कूल में जन्माष्टमी का फंक्शन और ये ब्लॉग मैं स्कूल पहुंच के स्टार्ट कर रही हूँ। कल हमारा टीचर्स डे का फंक्शन हुआ था स्टूडेंट्स की तरफ से और आज मैनेजमेंट की तरफ से जन्माष्टमी का फंक्शन भी है और टीचर्स डे का फंक्शन भी है। सो लेट्स सी क्या रहता है इसमें। अरेंजमेंट सारी बाहर हो चुकी है। कैसे सर आप? हम ठीक हैं। सर बहुत खुश लग रहे हैं आज आप। हेलो, कैसे हो आप? सब ठीक और आज बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर, आप ठीक है सर? बढ़िया। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच सर। सेम टू यू सर। आप कल आए नहीं? हाँ सर, सुबह था। चल ठीक है, थैंक यू सर। हाय सर, कैसे हैं आप? क्या आप बस सर ठीक हैं? क्या अरेंजमेंट है सर हमारे लिए आज? जन्माष्टमी और टीचर्स डे दोनों का सेलिब्रेशन एक साथ कर रहे हैं जी सर, तो उसमें हमारी तैयारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चल रही है काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट और बच्चे भी आज हमारी हेल्प कर रहे हैं इसमें। हाँ सर, तो टीचर्स भी हैं और यहाँ पे इन्जॉय करने के लिए। आप भी यहाँ पे इन्जॉय करेंगे और मैम को ब्लॉग को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं, स्टूडेंट्स टीचर सभी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे डेकोरेशन के लिए। और एक मेन चीज़ मैं दिखाती हूँ जो कि ये मटकी फूटेगी आज और वो तब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीन। और हमारे यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल सर, जन्माष्टमी का फंक्शन है और उसके साथ साथ यहाँ आज स्कूल मैनेजमेंट जो है वो टीचर को जो है वो अवार्ड इलेक्शन जो है वो देने जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। प्यारे प्यारे बच्चे कितने सुंदर सुंदर बन के आए हैं। हमारी वानिका और आपका नाम? कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे बच्चे। आप क्या कृष्णा बन के आए हो? वेरी गुड। आप? राधा। राधा देखो हमारी। हेलो, सो गाइस यहाँ पे अरेंजमेंट्स देखो पीछे चल रही हैं। वो स्टेज हमारा पीछे सजने वाला है अभी। सो लेट्स सी एंजॉय। मेरे को बहुत मजा आ रहा है आज, मतलब कि एक्साइटमेंट सी फीलिंग आ रही है। चलो देखते हैं क्या रहता है आगे। सोनाक्षी मैम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कब से बोल रहे हैं? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? नहीं मिल रहा है, मैं बस यही कहूँगी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत कर रही है ये लड़की। थैंक यू सो मच। सो प्लीज गाइस डू दैट। थैंक यू सो मच सोनाक्षी मैम, थैंक यू। यार मेरे सब्सक्राइबर्स की मुझे इज्जत करना है, तो मेरे सब्सक्राइबर्स आए यहाँ पे, तो ऐसे सभी आ जाओ, सभी आ जाओ, फिर एक ही बार आ जाओ सारे मेरे सब्सक्राइबर्स। क्यूट क्यूट, थैंक यू। हेलो सर। हाय, कैसे? ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। क्या तैयारी है सर आज? तैयारी एकदम जोश फुल ऑन। Welcome to
वेरी वेटेड चेयरमैन श्री के लंगर सर। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, ए किधर जाता है? रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, न घबराओ गरीब आ गया है, गरीब आ गया है, खुशी का सवार तेरे गरीब आ गया है। नन्हे मुन्ने बच्चे इतने प्यारे प्यारे बन के आए, कोई राधा कोई कृष्ण। सो अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, देखते हैं क्या है। कैसा लगा आज आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, देयर इज नो डाउट। टीचर्स ने बच्चों ने मिलकर इतना काम किया है और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर। हैप्पी जन्माष्टमी। सेम टू यू। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज हमारे स्कूल में फंक्शन था जन्माष्टमी का, बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारियाँ करी हुई थी, टीचर्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया हुआ था। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हैप्पी जन्माष्टमी। Same to you. Thank you.
लास्ट परफॉर्मेंस है अब हांडी फोड़ने की। हांडी फोड़ेंगे ना? हाँ। अपर्णा मैम हांडी क्यों फोड़ते हैं? हांडी इसीलिए फोड़ते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जो थे वो माखन चुराते थे और जब गोपियाँ हांडियों में माखन भर के या फिर पानी लेके जाती थी तो वो गुलेल से उनकी हांडियाँ तोड़ते थे। कृष्ण जी माखन ना चुरा ले इसलिए हांडी जो थी वो ऊपर ज़्यादा हाइट पे टांग दी जाती थी तो श्री कृष्ण अपने बाल गोवाल के ऊपर चढ़कर हांडी तोड़ते थे। तो इसीलिए हर जन्माष्टमी में ये प्रथा जो है ये आज भी चलाई जा रही है। आज भी बच्चे श्री कृष्ण बन के हांडियाँ फोड़ते हैं और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब हांडी फोड़ने की है परफॉर्मेंस होने वाली है तो आप भी देखिए और हम भी देखेंगे, फर्स्ट टाइम देखेंगे। हमारे सिटी ब्लॉक से आए हुए मेहमान टीचर्स। सो अभी जन्माष्टमी फंक्शन हो चुका है, अभी होने वाला है टीचर्स का फंक्शन जो मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। कुछ गिफ्ट्स वगैरह हमारे लिए रखी हैं, देखते हैं हमें क्या सरप्राइज देते हैं स्कूल वाले। सो लेट्स सी, आपको भी दिखाएंगे गिफ्ट खोल के गिफ्ट में क्या है। एक्साइटेड है एक्चुअली। जब टीचर को आप अप्रिशिएट करते हो ना तो टीचर ज़्यादा मोटिवेट होता है और वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। सो इसलिए टीचर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैम कैसी फीलिंग आ रही है आज? बहुत अच्छी। We are feeling so much proud. तहसीन मैम सुबह से कहाँ थे आप, हमें मिले नहीं, दिखे नहीं वैसे आप। वैसे सब टीचर्स ने मैक्सिमम यूनिफॉर्म डाली हुई तो मुझे आप दिखे नहीं शायद। एक जैसी साड़ी है ना सबकी, तो मैंने एक्चुअली मैंने व्लॉग बनाना था ना तो मैं कहीं गिर ना जाऊँ तो इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनी। सो अभी हमारे साथ हैं एमडी मैम, मिस पोक्षा मैम। सो क्या कहना चाहते हैं मैम आज? आज हमारे स्कूल में जन्माष्टमी सेलिब्रेट हुई है, बहुत अच्छे से टीचर्स ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करवाई है, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंसेस थी और अब हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन ओवर हो गया है। उसके बाद अब हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम अपने टीचर्स को अवार्ड्स देंगे, गिफ्ट्स देंगे। थैंक यू मैम। तिब्बत मैम किस तरीके से मेकअप करती थी? हमारी ब्लॉगर को मेकअप की नीड पड़ चुकी है, देखिए किस तरीके से। तो टीचर्स के लिए आज ब्रंच का अरेंजमेंट भी किया हुआ है। अब ये देखिए सर को कितनी भूख लगी हुई है और यहाँ पे खा रहे हैं सर। कैमरा बंद कर। हेलो, गिफ्ट है? नहीं नहीं सिंगल है। सिंगल है अभी? हम करिए लंच। थैंक यू, आप खाओ प्लीज। आइए आप भी हमारे साथ। अभी आ रहे हैं DIG साहब चीफ गेस्ट ऐसा, हमने उनको इनवाइट किया हुआ है। सो अभी उनका वेलकम करते हैं, उसके बाद अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होगी। वेलकम सर। थैंक
नई मंजिल तलाश कर, दरिया तुझे मिले तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आर बेनेवोलेंट चीफ गेस्ट डॉक्टर हसीब मुगल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रजौरी पुंछ रेंज एंड वार्म हार्टेड चेयरमैन सर, ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्टिव एंड एंथुसियास्टिक प्रिंसिपल सर एंड ऑल द आउटस्टैंडिंग कलीग, वी एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वाव सोतुक तो मदरसुक वस्ताद दुनवर्ष कबीर गए, वाव फलरावा गुलन तो वस्ताद वजनावा दिलन। यानी जो बाहर की हवा है, बाहर का जो मौसम होता है, बाहर की जो ब्रीज होती है, बाहर मौसम का स्प्रिंग सीजन का, वो और उस्ताद दोनों कारीगर है, दे आर आर्टिस्ट। तो मिस्टर देवराज शर्मा, के लंगर साहब से पुरानी एसोसिएशन हमारी है, लंगर साहब, फिर जो हमारे एमडी हैं अशी साहब, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स और जो बाकी यहाँ पे गेस्ट हैं, आप सबको हमारा सलाम आदाब। मैं दो चार चीज़ें, पहले सबको मेरी तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं आप सबको। एक कहावत भी थी, वो बोलते थे कि बच्चे घर में आके बता रहे हैं कि ज़मीन गोल है, तो पेरेंट्स पूछते थे कि ऐसा क्यों, ज़मीन गोल है, बोलते हैं कि पापा क्योंकि टीचर ने बताया है। तो टीचर के बताई हुई बात का इतना महत्व था, इतनी इम्पोर्टेंस थी कि जो टीचर बताता था वो पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उनके अपने आप को बच्चों से ऑब्वियसली 5 कदम आगे रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि टेक टेक्नोलॉजी ऑन योर साइड, टेक्नोलॉजिकल जितनी भी आपके पास अवेलेबिलिटी, चाहे डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको अपनी साइड रखिए। समथिंग इज वेरी मच श्योर सर, आई जस्ट वांट टू जस्ट शेयर योर वर्ड, ही सेड आवर टीचर्स आर टीचिंग थ्रू आउट ग्लोब, सी द जूम मीटिंग, सी द कोरोना, हाउ मच पावर यू हैव अदर देन द लीडिंग पॉलिटिशियंस, इट इज ओनली द टीचर्स हु इज लिसनड एंड हर्ड एंड वॉच्ड सो मच इन द वर्ल्ड, राइट? It is just because of you. And before the next step, we have 2 guests here. Thank you very much. And sir, before you leave, we have a very small token of love from international family. हम लोग आए हैं, वो पेशा ऋषियों मुनियों का पेशा है, इसको जब से दुनिया वजूद में आई है, जब से 3 आर्स का आगाज भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले टाइम इमेमोरियल मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, तब से इस पेशा को अपनाया गया। और पुराने ज़माने में अगर देखें तो गुरु शिष्य प्रथा चली आती थी। दिस इज व्हाट जो टीचर को एक प्राउड मोमेंट फील करवाता है, सो थैंक यू सो मच ISR टीम फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेटा गाड़ी में हम गिफ्ट खोल रहे हैं, हमें क्या गिफ्ट मिली है स्कूल से, इतना सब्र नहीं होता हमें।
this is red liquor and water. मैं इसे खोल के देखती हूँ, ऐसे satisfaction नहीं आएगी। हो चुका है फंक्शन और अब हम जा रहे हैं अपने घर। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।